जल्द ही प्रोड्यूसर मोहित रॉय और मनीष सिंह आप लोगों के बीच एक आध्यात्मिक शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ये प्रेम में क्यों होता है, जिसकी शूटिंग मुंबई में स्टार्ट हो गई है और जल्द ही ये शो अध्यात्म चैनल पर प्रसारित होगा। इस मौके पर इस चैनल के हेड श्री प्रेम राजपूत भी मौजूद थे। तो वहीं इस शो के कलाकारों की बात करें तो इस शो में अमित शुक्ला, अजीत, कृति लीड रोल में नजर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अर्जित लवानिया है और इस शो में मैं शुक्राचार्य का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम अमित शुक्ला है और मैं इसमें गौतम ऋषि का किरदार कर रहा हूँ। जी, शो ये माइथो शो है, एक अच्छा शो, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। शुक्राचार्य के बारे में जितना लोग अभी तक जानते थे, आई थिंक ये शो देखने के बाद ज़्यादा जान पाएंगे कि शुक्राचार्य अगर क्रोधित ऋषि थे, उनको इतना गुस्सा था तो क्यों आता था, रीज़न क्या था उसके पीछे। तो वो पूरी कहानी के ऊपर ये पूरा शो है, उनके साथ क्या क्या हुआ, सरकमस्टेंसेस क्या क्या थे उनके साथ, वो ऐसे क्यों हुए, तो उसके बारे में शो है। अच्छा शो है और आज पहला दिन है तो हम लोगों को भी थोड़ा मजा आ रहा है आज करने में। मैं गौतम ऋषि का किरदार कर रहा हूँ, शुक्राचार्य का गुरु, और ये मैथो शो है जैसा इन्होंने बताया, जाकू चैनल पे आने वाला है। अभी डेट 2 सितंबर। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और अरे प्रोड्यूसर कोई और है भाई, प्रोड्यूसर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कोशिश की है साथ में काम करने की, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर लें और फर्दर और भी चीज़ें प्लान्ड हैं जो आगे आने वाली हैं, है ना। तो ये मोहित राय हैं और ये प्रोड्यूसर हैं शो के, और इस शो के बारे में बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं एक्चुअल स्टोरी। और शो के बारे में पूरा दामोदार इन्हीं के ऊपर है और मैं बस इसमें एज ए प्रोड्यूसर हूँ और कुछ नहीं, और पूरा इन्हीं को करना है, करता धरता ही। देखिए, माइथो शो हमेशा जो किरदार उसमें होते हैं वो चैलेंजिंग होते ही हैं, और ये शो शुक्राचार्य के ऊपर है और मैं शुक्राचार्य का किरदार निभा रहा हूँ, तो मेरे लिए वाकई में चैलेंजिंग है। इसमें जो शब्दावली, जो भाषा यूज़ करी है, वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो बोलते नहीं हैं, तो वो भी उसमें अपने आप को ढालना, बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरीके से लेके आना उन सब में, तो चैलेंजिंग तो रहता ही है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। शो ये है देवताओं का, लेकिन नाम इसका सबसे डिफरेंट है, ये प्रेम में क्यों होता है। तो देवता लोग भी प्यार करते थे, महर्षि लोग भी प्यार करते थे, ये हम दिखाएंगे। और प्यार अंधा होता है, प्यार में आदमी सब कुछ भूल जाता है और भरोसा कर लेता है। हाँ, वो 4 साल बाद मैंने वर्दी की जगह पे दाढ़ी पहनी है तो वाकई मुश्किल है, मतलब बोलने में भी आप समझ रहे हैं लेकिन चैलेंजिंग है और मुझे मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है कि कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, हालांकि मैं 4-5 साल पहले ही मैथ शुरू कर चुका हूँ सागर आर्ट के साथ, आप लोग बट फुटेज ले लीजिए, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। और मैथो सीरियल में, धार्मिक सीरियल में, हालांकि ये जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि देवताओं ने भी प्रेम किया है, तो वैसी ही एक लव स्टोरी है देखा जाए तो, लेकिन धार्मिक कहानी पे है। चप्पल ऊपर मेन कहानी शुक्राचार्य की बेटी जो अभी छोटी नन्ही बच्ची दिखाई जाएगी और विश्वकर्मा की बेटी, ये दोनों खास सहेलियां हैं उनकी कहानी, वो आगे चल के विलन बनती है, क्या उनके साथ चलता है, किसके साथ चलता है, ये सारी। का नाम है हमारा ये प्रेम में क्यों होता है। ये प्रेम में क्यों होता है देवयानी की कहानी है। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। हम इसमें, हमारी शुरुआत हो रही है जयंती के समय से। ये एक लव स्टोरी है और एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें पहले शुक्राचार्य और जयंती का प्यार होता है, उसके बाद शुक्राचार्य और जयंती की एक बेटी होती है देवयानी। देवयानी का कच्छ से, कच्छ देवताओं के गुरु बृहस्पति का बेटा था। कच्छ के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति और ममता की संतान था, वो तारा से नहीं था। कच्छ में बड़े विलक्षण गुण थे और शंकरवण थे ऐसा कहा जाता है, इसमें तो उनमें विलक्षण गुण थे। और देवता वृषपर्वा जब राजा हुए थे दैत्यों की तरफ से, तो वृषपर्वा के समय में हज़ारों साल पर ये मत समझिए कि हज़ारों साल कौन जीता था, उम्र का जो टाइम स्पैन होता था उस समय इस तरह का होता था। तो वृषपर्वा के राज्य में हज़ारों साल में
कई बार जो लड़ाइयाँ हुई उसमें दैत्य ही जीते, देवता कभी नहीं जीते। आध्यात्मिक चैनल जितने भी आध्यात्मिक चैनल के नाम पर चैनल सब खुले हैं, लेकिन आमतौर पर लोग जो है हमारे आपके समकालीन बाबाओं को दिखाते हैं, उनके प्रवचन दिखाते हैं, और सबका अपना एक कारण होता है, सब अपना क्योंकि इनकी TRP होती नहीं, स्लॉट बिक नहीं पाता, और ये अपने स्लॉट को जो है बाबाओं को बेचते हैं, और बाबा लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा काम करें समाज के लिए, लेकिन उनका क्या है बड़ा मैकेनिकल हो जाता है, एक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक ही तरह की बातें होती हैं। मैंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, मैंने दिशा TV से बात की, मैंने अध्यात्म से की, साधना से मेरी बात हुई, चल भी रही है, सनातन से मेरी बात हुई, संस्कार के लिए मैं क्रिएटिव डायरेक्टर काफ़ी दिन तक था उनका, और उनके लिए भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए, काफ़ी जो है टेलीफिल्म्स और इनका काम किया। तो मेरा प्रयास ये था कि जो धार्मिक चैनल है इनके जरिए हम समाज को और समाज के बड़े तबके को क्यों न जोड़ें। आध्यात्मिक चैनल को देखने वाले 35+ या मैं कहूँगा 55+ होते हैं, नौकरी पेशा जब छूट जाता है, अंतिम पड़ाव पे लोग होते हैं 55 के आसपास, तब आध्यात्मिक चैनल देखते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मैं इन पर ये सीरियल्स दिखाऊं, तो मैंने अध्यात्म से, सनातन से, साधना से इन सबसे बातें की, और सनातन और अध्यात्म दोनों मेरी पकड़ में हैं, दोनों के साथ मेरा अच्छा समझौता हो चुका है और दोनों पर मेरे सीरियल दिखाए जा रहे हैं। अध्यात्म पर तो हमारा 28 मार्च से दिखाया जा रहा है लगातार, और डेली हम 8 से 9 के बीच में जो है हमारे शोज आते हैं, जिसमें संगीत सफारी भी धनुष जलोटा चल रहा है, बड़ा बढ़िया सा यूनिक शो है, और उस पर रंग रंगीलो भाके बिहारी है, महिमा माँ जगदम्बे का है, और अभी 1 अगस्त से हम सनातन पर भी हम आ रहे हैं, और सनातन पर हम आप देखेंगे 7:30 बजे सनातन पर हम जो है 3 शो लेकर के फिर से आ रहे हैं। व्यूअर से मेरा यही कहना है कि दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आप लोगों ने जब से 1959 से टेलीविज़न का इतिहास भारत में शुरू हुआ है और 1944 से पूरी दुनिया में शुरू हुआ है, और आपने इस बीच में दुनिया भर के कार्यक्रम देखे होंगे, आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, रामायण में लक्ष्मण रेखा खींचते हुए दिखाया होगा और लक्ष्मण रेखा को लांघने का उपक्रम दिखाया होगा, तमाम बातें। मैं उन निर्माताओं को, निर्देशकों को बुरा नहीं कहता, उन्होंने अपनी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कथानक में, कॉन्सेप्ट्स में तमाम बदलाव करके उसको मनोरंजक बना करके आपके सामने लाए हैं और आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास जो आ रहे हैं ये ओरिजिनल हैं, इसे आप कह सकते हैं कि यथावत जैसा कॉन्सेप्ट, हम वही उन्हीं कामों को करते हैं जिनका वेदों में थोड़ा सा जिक्र है, जिनको पुराणों में लिखा गया है, जिनकी व्याख्या उपनिषदों में की गई है, हम उसी मर्यादा के साथ करने जा रहे हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि ये अलग नहीं है, यही ओरिजिनल है, और इसके बारे में हम सारे गुरुओं को और जो श्रेष्ठ साधु संत हैं, मेरे ख्याल से अगर वो इसे देखेंगे तो उनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, और अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये गलत है तो मुझसे डिबेट कर सकता है, मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकता है, कहीं भी किसी भी समय उसका जवाब दे सकता हूँ मैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे चैनल पर, सनातन पर, अध्यात्म पर जो हमारे प्रोग्राम्स आने जा रहे हैं, इन पर आप जो पाएंगे वही ओरिजिनल है, वही यथावत है, और इसका हमने अध्ययन किया है, इसके बारे में हमने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विनम्र भाव से मैंने इसका अध्ययन किया है, और मैं जानता हूँ कि वो सत्य है। तो ये है कि सर देखिए, शुक्राचार्य पे बेस्ड है और मैथोलॉजिकल शो है, फुल मैथो है, और छोटा सा बजट है, कोशिश कर रहे हैं, है ना, मिलके कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सबका साथ रहेगा तो अच्छा बनेगा और अच्छा करेंगे, है ना। आगे भी कुछ 1-2 महीने की फर्दर प्लानिंग है, जो आगे आने वाले शोज हैं मेरे अपकमिंग, वो सब आएंगे 2-3 महीने में, सब पता चलेगा आगे। तो सर मैथोलॉजिकल मतलब मैथो बनाना बहुत चैलेंजिंग है, नॉर्मल शो है नहीं, है ना। कॉस्ट्यूम ड्रामा का मतलब ये होता है कि सर पूरा कॉस्ट्यूम और उसका ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम और तुम्हारा ये रुद्राक्ष, मोती की माला, ये वो सब दुनिया भर का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बस चल रहा है, कर रहे हैं कोशिश, और अब कोशिश कामयाब हो रही है, आ गए हैं आज सेट पे, पहला दिन शूट है, कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल बनाएंगे, बहुत मज़ा आता है ऐसे माइथोलॉजिकल करने में, बहुत मज़ा आता है। और ये प्रेम में क्यों होता है, क्योंकि ट्रायंगल लव स्टोरी है, पुराने ज़माने में जो लोग धोखा दे देते थे प्यार में, आज भी लोग देते हैं, तो पहले भी राजा महाराजा और जो साधु संत हुआ करते थे, भगवान भगवान इंद्र विंद्र, सब एक दूसरे को धोखा दे देते थे, आगे बढ़ते थे, तो वो उसी पे है, पूरा ट्रायंगल लव स्टोरी है। आगे शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य की बेटी है दिव्यानी, बृहस्पति का बेटा है कच्छ, उनका अफेयर होता है, बाद में वो डिच करके चला जाता है, बाद में ययाति राजा आता है उसके साथ शादी वादी, कुछ है ट्रायंगल लव स्टोरी, आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, देखिए कंटिन्यू शो। टेलीकास्ट कैसे होगा? टेलीकास्ट है 2 सितंबर
टाइम अभी मिलेगा हमको, टाइम कौन सा है, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन टेलीकास्ट है अभी फिलहाल। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस बस देखिए, अच्छा एंजॉय करिए आप लोग और सपोर्ट करिए आप अपनी तरफ से जो भी हो सकता है। मेरा नाम ज्योति राजपूत है, मैं इसमें क्रिएटिव हूँ। अच्छा, सर अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं ऐसे शो।